आज मेरे साथ है प्रसिद्ध गणितकार और सुपर 30 जैसे अनोखी फिल्म की प्रेरणा श्री आनंद कुमार। आप अपना इंस्टीट्यूट जो है सुपर 30 का जो यूनिक कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं इनटेक, क्या ये आपका सिस्टम जो आप जो यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए उसको अफेक्ट नहीं करेगा और कैसे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि एक स्कूल खोलने का प्लान कर रहे हैं जो फ्रॉम क्लास 6 to 12th हो, ऐसे बच्चों के लिए जो कि अंडर प्रिविलेज है। अभी तो क्लास 10 से बच्चे लेते हैं, लेकिन अगर डोमेन बड़ा करना है तो फ्रॉम क्लास 6 लेना पड़ेगा, ये मेरा आइडिया है। अच्छा सर, जैसे एक मैम ने भी कहा मैथ से काफ़ी लोग डरना शायद पहले से नहीं पर बाद में डरना शुरू कर जाते हैं, तो इसमें क्या टीचर्स कुछ चेंज करना चाहिए उन्हें या कुछ गलती कर रहे हैं? नहीं, गलती नहीं करें बल्कि और अच्छा करनी चाहिए चीज़ों को। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो उसका हाउ एंड वाई पर उतना फोकस नहीं करते हैं। जब तक हम चीज़ों का हाउ एंड वाई नहीं बनाएंगे, थ्योरम्स का डिटेल नहीं बताएंगे, थ्योरम्स के कई प्रूफ डिफरेंट नहीं बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं देंगे, तब तक बच्चों को मैथ में इंटरेस्ट पैदा करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा करना है, साथ साथ जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है, आम दिन का जो घटनाएँ घटती उससे भी रिलेट करके टीचर्स को पढ़ाना चाहिए ताकि कि बच्चे उसको रियलाइज कर पाए, फील कर पाए, महसूस कर पाए। ऐसा हो रहा है कि IIT JEE का कुछ स्टूडेंट्स प्रेशर से हार जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल में बहुत सारे माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा IIT करे, बावजूद इसके कि उनके बच्चे में उस तरह का इंटरेस्ट नहीं है। कोई बच्चा फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, कोई कवि बनना चाहता है या कोई दूसरे फील्ड में जाना, तो हम लोग अगर बच्चों पर बिना मतलब का दबाव डालें तो बहुत दुर्घटनाएँ घटेगी और बहुत ख़राब होगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है हर पेरेंट्स से कि बच्चा की जिसमें रुचि हो, जिस चीज़ में इंटरेस्ट तो उसी के लिए उसको इनकरेज करें। जैसे आपने कहा कि आप चंदा नहीं लेते हैं, आप आउटसाइड ऑफर्स मिलने के बावजूद आप नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों? दरअसल में हम लोग जिस परिवेश से आते हैं वहाँ पर बहुत सारे माफिया लगे हुए हैं, कई माफिया अटैक हम पर हुए। अगर हम लोग डोनेशन लेते रहते तो कई लोग कई तरह का दबाव बनाते और कई चीज़ों में फंसने का भी चांसेस था। इसलिए हम लोग छोटा ही से ही अपने ही बलबूते पर ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे का उपार्जन कर बच्चों को रखते खिलाते हैं, लेकिन हम लोग किसी से चंदा नहीं लेते हैं। आपने कहा कि माफिया है और आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े हैं, सो आपको ग्लोबल रिकग्निशन के साथ साथ कुछ स्मियर कैंपेन्स को भी फेस करना पड़ा है, आपके आपका असर कौन सा ज़्यादा पड़ता है और आप क्या करते हैं? देखिए, असर तो नहीं पड़ता है, अभी तो बिहार गवर्नमेंट ने 4 कमांडो दे रखा है बिहार पुलिस का, वो लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए कोई ख़तरा भी नहीं है। और जहाँ तक बदनाम करने का कोई कैंपेन चलाने की बात थी, वो लोगों का मनसा ये था कि फिल्म को रोकवाया जाए, और क्योंकि कोई नहीं चाहता कि गरीब का बच्चा ही आगे बढ़े, तो बहुत सारे जो माफिया हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, सामंती लोग हैं, फ्यूडल मेंटेलिटी के लोग हैं, वैसा चाहते थे। लेकिन फाइनली फिल्म रिलीज हुई और समाज में अच्छा मैसेज देने में सफल हुई, उन लोगों की साजिशें नाकाम हुई। और सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद क्या आपको लगता है सुपर 30 के प्रति लोगों का नज़रिया कुछ बदला है? नज़रिया बदला नहीं, लोगों की जानकारी बढ़ी है, लोगों की उम्मीदें बढ़ी है, लोग चाहते हैं कि इस तरह से और भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा कि इस प्रोग्राम को कैसे बड़ा करूं और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँच पाऊँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।